गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग अकाउंटेंसी में चैप्टर फर्स्ट जो थे उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स, दो पार्टनर एक्स और वाई शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1 ऑन 1 अप्रैल 2016 ईयर कैपिटल वर। 1 अप्रैल 2016 को उनकी कैपिटल में बता रखी है 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, 3 लाख और 2 लाख। The partnership they provided interest on capital. Interest on capital जो बता रहा है 10% per annum and salary to Y as 1250 rupees per month. The net profit before providing interest on capital and salary amount of 40,000 rupees. The year ended on 31st March 2017. So the distribution of profit. अब जान सकतेगा अगर हमारे पास interest देने के लिए, interest on capital देने के लिए profit अगर enough नहीं है, पर्याप्त नहीं है, तो उस समय जो भी बचता है प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट बचता है उसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दोबारा सुनिएगा कि अगर हमारे पास अप्रोप्रिएशन करने के लिए प्रॉफिट इनफ नहीं है, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए प्रॉफिट इनफ नहीं है, तो पार्टनर्स को इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। जो जितना कम बनता है प्रॉफिट, मान लो कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज्यादा है, तो वहां पर जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बिहाफ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2017। अब हम देखते हैं, सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे, पर्टिकुलर डेबिट साइड और अपना क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग अपना नेट प्रॉफिट लिखते हैं। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बता रखा 40,000 बिफोर डिडक्ट सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट होने से पहले। तो प्रॉफिट कहां से ट्रांसफर होगा, बाय पेडर अकाउंट, ब्रैकेट देखिए नेट प्रॉफिट, अमाउंट हम लोग लिख देंगे, अमाउंट हमारा कितना है, अमाउंट जो बता रखा है हमें वो है 40,000 रुपए, 40,000 लिख दिया 40,000 रुपए। सबसे पहले सैलरी दे देंगे टू पार्टनर सैलरी। सैलरी किसको मिल रही है वो देखो, सैलरी जो हमें बता रखी है वाई को मिलने वाली है, वाई को सैलरी देंगे 1250 मल्टीप्लाई बाय 12। अब देखिएगा 40,000 रुपए से अगर 15,000 रुपए लेस करें तो हमारे पास अब प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन करने के लिए कितना प्रॉफिट बचा है, 25,000 रुपए का प्रॉफिट हमारे पास बचा है। लेकिन जब हम बात करें कैपिटल कितनी है उनकी, 3 लाख और 2 लाख की, जो एक्स की कैपिटल है वो है 3 लाख रुपए और जो वाई की कैपिटल है वो है 2 लाख रुपए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो कितना है, 10% पर एनम, दोनों पर सेम है 10% पर एनम, तो 3 लाख का 10% कितना होगा 30,000 और अपने 2 लाख का 10% कितना होगा 20,000। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए पर्याप्त मात्रा में अगर प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो अब ये बात आती है कि क्या पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होगा, बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होगा बैलेंस। अब सीआर साइड का टोटल करते हैं 40,000, पहले हमें अप्रोप्रिएशन ही करना पड़ेगा, सैलरी पेड कर दी तो यहाँ पर लिखे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में प्रॉफिट होता, यहाँ ज्यादा होता, तो हम 30,000 और 20,000 ही लिखते और जो बचता उसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते। लेकिन कैरोबार में अंदर जो भी लिखा हुआ भी है पेज नंबर 4 या 5 पे कि अगर आपके पास प्रॉफिट इनफ नहीं है तो उस केस
आप अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो एडजस्ट करोगे कम लोगे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर 40,000 में से मैंने 15,000 लेस किए, कितना आ गया 25,000। यानी अब जो ब्याज बोलते उनको मिलेगा कितना मिलेगा, 50 नहीं मिलेगा बल्कि कितना 25,000 रुपए ही उनको डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। कितने पार्टनर है, दो, एक्स और वाई दो पार्टनर है। तो ये जो उनका रेशियो आएगा इसी रेशियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशियो आएगा इसी रेशियो में जो रिमेनिंग जो बचता है जितना भी अमाउंट उसी के हिसाब से एप्रोप्रिएशन होने वाला है 3:2। तो 25,000 में एक्स को कितना मिलने वाला है, 25,000 मल्टीप्लाई 3/5 15,000 मिलेंगे एक्स को, और वाई को कितना मिलने वाला है 2/5 10,000 रुपए मिलेंगे इसको। टोटल आ गया 25,000 रुपए। बस ये कुछ इतना ही है, इतना जानना है कि हमारे पास प्रॉफिट इनफ नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए। तो जितना भी बैलेंस बचता है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, एप्रोप्रिएशन करेंगे किस रेशियो पे। तो वहां पर जो इंटरेस्ट का रेशियो आएगा ये जो आया है 3:2 इसी में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। अभी अपना कंप्लीट हो चुका है, हमने 1 से लेकर 8 तक के